Bhumika, a science student from SVS Kevala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smart boards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना. मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ. मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15 प्लस स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है. हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है. आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे. मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़. लगातार खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहते हैं कि किस प्रकार से आप खेती करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है. तो इसी कड़ी में आज मैं सादेवाला गांव में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा एक प्रगतिशील किसान रघुवीर जी गोदारा, जो कि नाईवाला गाँव से हैं, राजस्थान का गाँव है, वहाँ से हैं और राजस्थान में जो है वो अपनी खेती की एक साल काम कायम करने के बाद अब हरियाणा की ओर इन्होंने जो है वो रुख कर लिया है और हरियाणा में भी पुश्तैनी ज़मीन इनकी पड़ी थी सादेवाला में, और सादेवाला में ये 6 एकड़ जगह जो है वो ज़मीन इनकी है. मैं चारों तरफ अगर आपको कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि इस खेत को जहाँ पे बरसात का पानी ही जो है वो इस खेत में लगा करता था और उस खेत में अब जो है वो बिल्कुल एकदम लेवल करके इस खेत को जो है वो अब यहाँ से पानी जो है वो इरीगेशन जो है वो खाल के माध्यम से करें या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करें तो वो लगातार जो है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. अब ऐसे में रघुवीर जी गोदारा की एक वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कि ये कैसे किसान है कि एक पौधा जब लगाते हैं उसके साथ दूसरा पौधा लगाते हैं तो वो दोनों पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. इस तरह की खेती, यानी कि एक पौधे को पानी डालो तो वही पानी जो है वो दूसरा पौधा, वही पानी तीसरा पौधा, वही खुराक चौथा पौधा, यानी कि इस तरह से ये खेती करते हैं. तो उसी प्रकार से आज हम आपको जो है वो उनके खेत में ले चलते हैं और सबसे मेन मकसद इनका अगर बात करें तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जाना चाहिए. पानी कैसे बचाया जाए तो यहाँ पे ये देखिएगा रेतीली ज़मीन है और रेतीली ज़मीन में इन्होंने जो है वो कपास की फसल जो है वो बोई हुई है. कपास की फसल कैसे कि बेड लगा करके, बेड बना करके बेड पर जो है वो कपास की फसल बो दी और बीच में जो जगह है पौधे के, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो जगह है उसमें इन्होंने जो है वो तरबूज लगा दिए. अब तरबूज जो है वो ये कपास की फसल भी उत्पादन देगी और तरबूज भी होंगे और पानी की मात्रा भी जो है वो आपको बहुत कम जो है वो उपयोग करनी होगी. अब ऐसे में इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इन्होंने जो है वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम एक कर रखा है. सबसे पहले आते इन्होंने जो है वो खेत के अंदर एक डिग्गी बनवाई. डिग्गी बनवाने के बाद उसके अंदर पानी डालने का और पानी निकालने का तमाम जो यंत्र हैं वो यहाँ पे ला करके फिट किए हैं. और यहाँ से एक खास चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये तस्वीरें देखिएगा, ये पानी के साथ गोबर की खाद जो है वो पौधों को देते हैं. चलिए, रघुवीर जी गोदारा हमारे साथ मौजूद है. रघुवीर जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे खेती करने का तरीका आपका अनूठा है, कहाँ से आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि इस तरह से खेती की जानी चाहिए? पहली बात तो साहब थाने देवा बधाई में जबकि नई नई तकनीकी थे हर किसान ताई पुगाऊ है. सारा किसान नवाचार कर भी कौन सके पर देख के बिन किसान काफ़ी आ गए बिन करे तो थे बधाई का पत्र है थारो चंद्र. ऐ जकी तकनीकी अपनावा नहीं ऐ थारा पत्रकारा की, मीडिया की, साइंटिस्ट डॉक्टर का देड़ा दिन है. अच्छा, तो सीधो अनपढ़ हिसाब खेती करने को लायक कौन रहे हो? आज के दिन जुड़ो साइंटिस्ट डॉक्टरों. अगर साइंटिस्ट डॉक्टर और किसान ऐ दोनों जुड़ के काम करेगा तो धरातल प्राणा में अन्न की कमी कौन रहे. ठीक है रघुवीर जी, अब सारू मोटो चर्चा आ चल है या कोई किंग मन में सवाल भी आवे है भी रघुवीर जी पढ़ेड़ा कितना है? पढ़ाई साहब 8 ग्रेडी है. हाँ। 73 में स्कूल छोड़ दियो. अच्छा, छठी में रहेगी, 8वीं तक फर्स्ट डिवीजन रेडी है. पर आर्थिक स्थिति, परिवार मोटो, बीन टाइम सोच भी है नौकरी का नहीं और का नहीं ध्यान कोनी हो तो भाभी नौकरी वाले ना सोचो, खेती भी कोई कमी कोनी कोई. अठा आगे जो को मेरो सीखियो मैं, एक तो जहर रहित काम करना सीखियो और एक पानी बचाना सीखियो. पानी आने वाले टाइम के लिए पानी कोनी, पानी बचा के खेती करो.
पानी भी हिसाब लगाओ जी, एक पौधे ने लगाओ जो तीन पौधे ने पानी मिल जाना चाहिए। जी आप खाली है, कैमरा मैन ने देखो आ खाली है, ये खाली में पानी चल है तो एक खाली का मैं पा रहा है पर भिंडी लागे रही है, देखो भिंडी ने पानी मिल गयो। बिन वो गेंदो लागे है तो गेंदे की लागना मतलब गेंदे ऐसा क्या पानी बिड़गे जाएगा हवा जाएगी तो फंगस को नहीं आवे। फसल गया मैं फसल मित्र कीट है, भिंडी भी आ गई गेंदो भी आ गयो, ऐ चप्पन कद्दू अजक ला गया, अब सीजन देखो जी ऑफ हो गयो। थे पहला चुनाव में अब जी ऑफ हो गयो, अब आ रुई है आ रुई लागे जी लाइन लाइन पांच फुट ठीक है, आ लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पांच फुट को गैप है जी, लाइन लाइन पांच फुट और पौधो पौधो एक फुट। अच्छा हाँ तुम बीज लगवाए हो। अच्छा खालियां ट्रैक्टर बनाई है, एक खाली बंद कर दी, एक खाली खुली छोड़ दी, एक खाली बंद कर दी, एक खाली खुली छोड़ दी। भी खुली छोड़ने को कारण है कि जकी खाली खुली भी पर तरबूज लगा दिया। हाँ। जकी खाली बंद है भी अपर भी रुई लगी है पर बिन पानी कौन दियो, पानी आप बचानो है। अच्छा तो बिन पानी क्यों कौन दियो, बा पानी कटो लेगी, बा पानी बिन जलम गया पर पानी दे दियो। भी बाद में जकी बेड पर फसल आ जाए ना तो आ जमीन नीचे थोथी हुआ है हरी में डगल टाइप में रखना चाहिए तो फसल ने पानी नमी खींचेगी। अब थाने माचा पर बैठे पानी जला दियो तो थे खेचल कौन करोगा, आई बात फसल की फसल खींच के पानी देना चाहिए। फसल ने प्यास ला गया जब जड़ अजगी पानी का नहीं चलेगी, अज भी रोज को पानी मिल पकड़े जड़ बढ़ेगा नहीं, जड़ ना बढ़ेगी तो फसल कौन बढ़े। हमेशा वास्ते पोलापन जितनी भी मतलब ड्रिप कर लियो फुहारो कर लियो या ए बेड बना दिया आगे फुहारा भी लगा देंगे। बाकी गोबर की खाद मां जाएगी नहीं, जो गोबर की खाद को मतलब जैविक कार्बन पैदा करेगा। गोबर की खाद तू जो दूध को दही बनाना है तो जामन लगाना पड़ेगा। आने वाले टाइम के लिए गोबर की खाद गिरनी बहुत जरूरी होगी। जहर तो बाद के चक लिया गोबर गिरना थोड़ा औखो है। बाकी थे थारे साहब मुझे किसी चीज पूछो थे आज की गोबर गेरो पानी का मां मिला के गेरो भी है तो घना से किसानन में लगभग ही घना सा के एक था नहीं देखे अलग तरीकों गेरता ने। मान लो खेत के अंदर डिगलियां कर दी और बिन फिर खेत के अंदर मान लो बुरका आदि खात ने तो थारो एक तरीको अलग देखियो पानी के साथ खाद चलाना बिंगो हिसाब किताब टना पर गेरनी पड़े ज्यादा। आज की रात ने गाया गोबर करे गौशाला में वो किचड़ हुआ पूरा है वो जमा ताजा हुआ है वो पानी के सागे जग दिन अपनी पानी की बारी हुआ या पानी देना हुआ ना बीन टाइम से फसल उगेड़ी ना हुआ फसल को बाण आप रोनी करा बीन टाइम बिन गोबर ने देवे ना बिन की क्षमता ज्यादा है। अच्छा। बिन को कारण ये है जी एक तो टीको अपने पास है पर लगावे और एक डॉक्टर टीको अपने नाड़ में लगावे वो नाड़ में टीको लगे जी। अच्छा वो जो पानी के सागे गोबर गेरा फसल के जड़ गया वहां जावे। अच्छा वो नाड़ में टीको लगे ठीक है तो मान लो जी एनजीआ मान लो अब इतनी बड़ी कपास की फसल हो रही है तो इन मकान नहीं इन मध्य में थोड़ी कठिनाई आवेगी। अच्छा। वो खाई आवे ज्यादा गेरना पड़ेगा वो खेचल जाए वो जद चल रहा है गोबर जबान आपने बिल्कुल खाली है खाली हुए सफाई है बिनू गोबर पड़ जाए गोबर पानी में गुड़ जाए और गोबर आगे भी जाए जाए तो आज सफाई होगी नहीं जदो चल रहा है कौन चल रहा है। अच्छा तो मतलब कि मान लो जब अपना बाण खाली हुआ है पहले पानी हाँ बिजाई करने पहले जो आप रोनी करा मतलब है भी रोनी के सागे दे दे रोनी के सागे कर दियो या कोर फसल में कर दियो पहले पानी पर पहले पानी पर बिन टाइम में बिन 100-120 दिन भी रिजल्ट रहेगा। 100-120 दिन की खेती हुआ सारी 100-120 दिन को भी इंजेक्शन लाग गया समझ ठीक है। तो अब इन मजी मान लो तरबूजा में कोई बीमारी भी आई होगी कपास में भी कोई बीमारी आई होगी तो थे को मैं पेस्टिसाइड तो गेरू ही को नहीं तो हम उपचार किया करो इन उपचार है जी देसी तरीको है गाय को पिशाब है गुड़ है बेसन है खेड़ा नाई वाला बनड़ी है अठा बनाई को नहीं है जी अठा बना से सिस्टम सारू जचा देंगे आम वाला 6 महीना बाद में बठू बजराकी ने बेड़ है भाई लिया वहीं स्प्रे कर दें जीवा अमृत बनाडो है बीजा अमृत बनाडो है बी कंपोजर बनाडो है डी कंपोजर बनाया है ऐ सारा है ऐ चीजा बठे बनाई डी अपनी बैठ लिया वहां जरा किन मंगाल के 22 किलोमीटर पिंड है कोई दूर कोई खेत को सर टाइम कितो टाइम हो गए जी था नहीं खेत में अठे बियां तो देखो जी जमीन तो पुरानी है पर बांट के ले साल हो गयो साल गया वहां जियां जियां जमीन की आवश्यकता है बियां बियां जमीन की पूरी करिए पहला आगे देखे भी पानी चाहिए तो पानी लगायो डगी बनाई फिर आपके रहने के लिए 4 मकान भी बनाया फिर उजाड़ो दिखो तो मैं तारबंदी करी फिर तरबूज तैयार हो गया काकड़िया तैयार हो गया फिर अठे गादड़ा आने लग गया अंग लिए फिर झटका मशीन भी लगाई। अच्छा है बाकी ए तरबूज अब मतलब सीजन लाग चुके हो बाकी भाई देखो मैं पढ़े अब चक्की दिखाऊं क्या जाऊंगे कोई ना मैं देख लेंगे वो तो आप एक तरबूज इस तरफ मैं कैमरा से वैसे गुजारिश करूंगा कि जो है वो थोड़ा लेकर के आए तरबूज अभी अभी छोटा है गुदरा जी है ना आप सीजन लाग गयो लास्ट का तरबूज बचा है थोड़ा मोटा जका है नहीं
मतलब की वो कैप्सूल तो कंपनी को है और बाकी लिफाफा जगह पर बोतल लिफाफा 80-90 रुपया लगा बटे 1 रुपया में काम चल गयो तो ए बोतल का मैं चीर के बोतल का मैं टांग दिया काम तो वहां करना है। अच्छा आज की बात करी आ इन्हें और चलो अपने कैमरे मैन ने को भी जकी बार बंदी तार बंदी आज यहाँ खाली है ये खाली पर देखो वे जकी फसल है जकी एक फसल ने पानी लागे तीन लाग गयो नी आ देखो ये खाली में पानी चल लगो तोरू ने पानी लाग गयो ए बेला लाग गई है पेठेगी थोड़ी पानी की कमी आ रही है तो आने भी पानी लाग गयो एरो भिंडी ने भी पानी लाग गयो एक पानी चार फसलां देन लाग रही हो इंगो मतलब है भी आम नाल टाइम ने पानी कोनी साफ पानी बचाओ और पानी बचेगो तो सारो की बचेगो ए फसल मतलब की अलग अलग चार्ज लगाई दी वार तो चार बारी पानी देना दादा रोकार इंगो काम है पानी बचाओ दूसरा नाम है छोटी जोत बड़ी आमदन वो मेरे आपको नाम टिका छोटी जोत बड़ी आमदन तो छोटी जोत का मतलब फसल में फसल लियोगा तो मोटी जोत आप ही बन जाए साहब बाकी थे रात दिन बनाने लग रहे हो रात दिन चलन लग रहे हो बाकी साहब एकला हो काम को नहीं पूरे परिवार को सहयोग है भाई बंधुओं को सहयोग है घरवाला बाली बच्चा सारा सहयोग है जो काम चल है मैं कह दू मैं एकलो करूँ एकलो की कौन कर सकूँ टाइम पर हाली ने रोटी ना मिलेगी मैं एकलो के करूँगा पड़ोसी बह बैठा बने पूछो पड़ोसी से अगर सुख ना होगा तो मैं एकलो के करूंगा पड़ोस तो शुरुआत में तो पड़ोस जरूर शुरुआत के मैं भाइयों से बिगाड़ दो बोला पड़ोसी से ना बिगाड़ो चाहे घर पड़ोसी है भाई सागे नहीं चाहिए नहीं बिगाड़नी तो नहीं चाहिए पर कहना बाबा खेत में पड़ोसी है तो जो घर को पड़ोसी है तो जो बाजार में प्लाट है तो पड़ोसी है तो पड़ोसी से तो कभी बिगाड़ियो ही ना भाई हमारा पड़ोसी है पड़ोसियों भी करा बातचीत है तो चलिए अब ये तस्वीरें जो है वो देखिएगा लगातार हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं रघुवीर जी कोदारा के खेत की और छोटी जोत के किसान है ये नहीं है कि 150-200-500 एकड़ के किसान है 10-12 एकड़ के किसान है कुछ जमीन इनकी जो है वो नईवाला में है और कुछ जो जमीन जो पुश्तैनी जमीन है वो सादेवाला में है तो सादेवाला में जब आप केरवाला से सादेवाला की तरफ जाओगे तो रास्ते में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है वो इनका फार्म आपको जो है वो दिखाई दे जाएगा बोर्ड लगा मिल जाएगा ऑन रोड जमीन इनकी जो है वो है तो आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आ करके किसी भी तरह की कोई जानकारी जो है वो ले सकते हैं। चलिए अभी इनके पड़ोस में जो खेती करते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इससे पहले जो खेती किया करते थे और रघुवीर जी गुदारा यहाँ पे खेती करने के लिए आए तो कितना फर्क है। हाँ मैं कितना फर्क लग गया गुदारा साहब की खेती में थारली खेती में माली खेती तो सगड़ी फेल हो गई मूंगी भी जड़ी बढ़ गई दोनों किला में पानी दो लगा दिया मोटर मार कर गई लेड़ी चार पांच करांगे सिरगी है लेड़ी खाजा खेड़ा कर 11 किलोमीटर 40 लाख रुपया लगेड़ा है क्यों कई करांगे लेड़ी है मैं पानी दो लगा दिया पानी मीठो पानी है बा मूंगी बढ़ गई दूध शादी भी गुआर बीजा वो बढ़िया हुआ नरमो बीजे वो 2 किला बीजे पर कहो नरमो 13-14 किला में अब बीजे को नहीं वो करा के खेती फेल हुई थी सगड़ी बाहर डानी रही देख दौड़ो पड़े खेत ठीक है तो एक उदारा जी जी खेती कर रहा है मान लो कपास को एक बुंटो ही कौन बलेडो बेलना चलो तरबूज को टाइम चले गए जब साहब 2 किला में करा तुम्हारा ही हुआ है पानी तुम्हारे कने हो डिग्गी डगी नलार लगेड़ा देखा को नहीं आगे खेती का ऐसी करिए हाँ अच्छा, अब भी आई अब भी करिए पहले जमीन सुधारी हाँ जमीन सुधारी है हाँ पर तो गुआर ही हो भी रनी बीजेड़ो बरसात पर है अच्छा पर क्या तो बरसात के नहीं पर क्या तो गुआर हो यो अच्छा पर क्या नरमा को नहीं है गुआर तो होया अब कई बारी है 50 एकड़ में खेती होई है जाकर साहब बटे आई करिए काई करिए सब्जी रे लगाई है अच्छा मैं सब्जी सब्जी की को लगाई मैं ना जानकार ना बात है सीधी ट्रैक्टरों बात दी कर दी है पहले ये खेत को हाल के होगो दारा जी गाणो ओ तो बिरानी हो सगड़ो बिरानी हो अच्छा अब पानी लगा के सुधार लियो खाड़ियो है एक घंटो बारी है एक घंटा बारी सुधार लिए थोड़ा सा ये पानी कमी बात गया है तो पड़ोसी है तो अगले केड़ा कोई मिल बैठ के बातचीत करके कर लियो केड़ा की आगे 2 किला में की करांगा फिर जानकारी आज ही ने करांगा ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे थे अभी? मैं ये कह रहा हूँ अपने देखो देख मेरे देखने का सगा है बागड़ी बोली बोलिया कोई बात को नहीं कम से कम 40 एकड़ में खेती लोग करिए अब कड़ा करिए थारी बिजाई हुई है हाँ आपने बिजाई होने बाद में करिए पर वह कही रस कौन आई रस इं कौन आई वह नकल करे जी
ओरिजिनल कौन करे, ओरिजिनल के साहब ना तो मैं बेड बनाया, अपनिया कपास बीज दी, मां का तरबूज लगा दियो, मेरे मामा में बेटो भाई है, अपने 5 किला करी है, पर कोनी रास आई, केर वाले विनोद गुजारू है, मेरे मौसी को बेटो भाई है, अपने भी करी है, पर कोई भी टिंट सी रास आई है, माड़ी मोटी चल है, बाकी इन्हें भी इन्हें लोग करी है, आ बात कौन कौन करी, ऐ जगह गुजर का आदमी है, ऐ धरातल पर आ गए, अब दोबारा स्टार्टिंग करनी चाहे, अब आने के ऐ दिन 50 और टप जाएगा, 25 दिन है, बारिश आने के बाद में काकड़ी है, मटकाचर है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में बीज लिया जाऊंगा, वो आपके बीज लिए कोई दिक्कत को नहीं, अटके खेती करनी पड़ेगी, सागे मतलब कि देख रेख करवा, देख रेख करना पड़ोसी है अपना, अटके खेती करने में कामयाबी है। चलो चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि रघुवीर जी गुदारा एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो राजस्थान में इन्होंने जो है वो अनेकों अवार्ड जो है वो जीते हुए खेती के मामले में, और खेती भी जो है वो इनकी एक अलग तरीके की यूनिक खेती है, यानी कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था कि एक पानी चार चार फसलें जो है वो उसी पानी से, वही पानी जो है वो अगर बात करें तो तरबूज की बेल में लग रहा है, वही पानी जो है वो कपास के पौधे को मिल रहा है, वही पानी गेंदे के पौधे को मिल रहा है, और वही पानी जो है वो भिंडी के पौधे को मिल रहा है, यानी कि एक पानी से चार चार फसलें पका रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बिना किसी कीटनाशक के छिड़काव के, और इनकी फसल देखिएगा दोपहर का समय है, शिखर दोपहर का समय जिसको हम बोलते हैं वो समय, और उसके बावजूद भी इनकी फसल कपास के एक पौधे को जरा सा भी मुरझाया हुआ प्रतीत जो है वो नहीं हो रहा है। आप एक तो ये वीडियो देखिएगा और एक अपने खुद के खेत में जा करके 2 से 3 बजे के समय में जा करके देखिएगा तो फर्क जो है वो आपको अपने आप जो है वो प्रतीत हो जाएगा। खैर रघुवीर जी से बातचीत करना चाहते हैं तो इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, उस पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर आप जीवन नगर से डब्वाली की तरफ जाते हैं तो जाएंगे तो रास्ते में केरवाला और सादेवाला गांव के बीच में इनका खेत है, पेट्रोल पंप के साथ लगता केरवाला बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले, तो वहां पर भी जो है वो आप जाकर के फार्म विजिट कर सकते हैं और अलग अलग टेक्निक की नई नई जानकारियों वाली और अलग तरह की एक यूनिक खेती करने के दिशा निर्देश और परामर्श जो है वो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और रघुवीर जी गोदारा को लेकर के आपकी क्या राय है, कितना का अच्छे से जानते हैं, इनकी खेती की टेक्निक को लेकर के आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।